पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। चंपारण बिहार का है मुकुट, जिसने पूरे देश को दिया राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत, बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। दैत्य से मोहन सिंह की रिपोर्ट। चंपारण बिहार का मुकुट है, जिसने पूरे देश को राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत दिया है। जहां पश्चिम चंपारण के बेतिया में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 मार्च को आगमन होने वाला है। उप मुख्यमंत्री ने चंपारण के लोगों से अपील किया कि लाखों लाख की संख्या में पहुंचकर उनका स्वागत कर और उनकी आम सभा से लाभ उठाए। उक्त बातें मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गए। उन्होंने कहा कि जब से एनडीए की सरकार बिहार में सत्ता संभाली है, तब से 70 करोड़ की योजना युद्ध स्तर पर बिहार में चल रही है। एक सवाल का जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी तरह से कानून का राज्य चलेगा, अपराधियों का राज्य का खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके शासन में अपराधियों, शराब माफियों एवं भू माफियाओं की नहीं चलने दी जाएगी, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से बेगूसराय और औरंगाबाद में लाखों लाख की संख्या में पहुंचकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि उससे भी अधिक लोग बेतिया में पहुंचकर उनका स्वागत करें। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, योगापट्टी विधायक विनय बिहारी, चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह आदि भाजपा नेता उपस्थित थे। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं की एक समन्वय बैठक भी की और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज़।